इतना ही बरकतों और इस्तकबाल है आपके किसानों का मसीहा बनकर जो मैं काम करना चाह रहा हूँ कि शायद मेरी कोई बड़ी नेकियाँ मेरी ज़िंदगी के बड़े गुनाहों को ख़त्म करके अच्छाई की तरफ और एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ ले जाए। आज मौसम बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, पहले की बनिस्बत आसमानों का नज़ारा भी इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है, देखे पहले कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खूबसूरत कायनात बनाया है, उसकी कायनात से लुत्फ़अंदोज़ होना और खेती करना भी एक जैसा ही। तो मैं आज आपसे हर एपिसोड में किसी बारीक या किसी बड़े मौजू पे बात करने वाला हूँ, लेकिन आप इस बात से नाराज़ नहीं रहिएगा कि आपके टॉपिक पूरी तरीके से सामने नहीं आ रहे, बल्कि आएंगे धीरे धीरे। आप मेरी वीडियोस के अलावा मुझसे जब मैं अच्छे मूड में होता हूँ या किसी ख़ास मूड में, तब अपनी बात पूछ सकते हैं, मैं उस वक्त आपकी बात बता सकता हूँ, इज्जत के साथ आपको बता सकता हूँ, इज्जत के साथ आपको बता सकता हूँ। और मैं नहीं, मकान तो फ़िलहाल नहीं है, मकान में जाके रह सकता हूँ, वाट एवर इन दैट एक्सट्रीमली व्हेनेवर, मैं जब भी कोई बात कहता हूँ उसमें उर्दू मुसलमानों के हिसाब से गोश्त बहुत होता है, यानी उसमें कोई अहम बात होती है, सब्ज़ी नहीं होती। और गैर मुस्लिमों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए या ईसाई या क्रिश्चियनों के लिए कहूँगा कि बात में वज़न होता है। मैं जब भी कोई बात कहता हूँ, कोई भी एक बात मैं कहता हूँ तो उसको टाइम लगाता हूँ और बात में वज़न पैदा करता हूँ। तो मेरी आज की बात का पहलू है कि अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाना है, मैं इसके ऊपर 5 से 10 एपिसोड लूँगा, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ाना है, उसकी लाभकारियत बढ़ाना है। देखिए, बारिश कितनी भी आती है, फसल और पौधे जल्दी पूरे बढ़ नहीं पाते, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपको उसकी ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए किन बातों का एहतियात करना है। अगर आपके खेत के आजू बाजू में कोई बड़ी फैक्ट्री है, यानी जो इमारत है बहुत बड़ी फैक्ट्री, उसका पानी अगर आपके नाले में मिल रहा है और आप उस नाले से अपने खेत को पानी दे रहे हैं, तो उससे भी ज़मीन की गुणवत्ता ज़रखेज़ी ख़त्म होती है और आपकी फसल, आप पेड़ तो लेते हैं और पानी भी दे देते हैं, बो लेते हैं, बुआई कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, खाद डाल लेते हैं, लेकिन वो ठीक तरीके से उग नहीं पाती। उसकी वजह ये होती है कि आपने पानी के अंदर, आपके पानी में केमिकल मिल गया और वो केमिकल अलग अलग होकर आपकी ज़मीन को धीरे धीरे रेतीली बना रहा है, या फिर उसके अंदर के उपजाऊपन, उगाने की ताकत, उपजाऊ क्षमता, उगाने की ताकत मिस प्रोडक्शन एनेबिलिटी, प्रोडक्शन इनेबल होना, प्रोडक्शन इनेबिलिटी नहीं हो पाती, समझे आप जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके के आजू बाजू अगर फैक्ट्रियाँ हैं या फिर कोई ऐसा नाला है जिससे आपके कुएं में या कहीं पर भी पानी सही तरीके से नहीं मिल रहा, उसका मिल जा रहा है, तो उससे नुकसान होते हैं जी जनाब। मेरी बात अहम तरीके से नाज़रीन जो देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देखें और बात को पूरा समझें। तो पहली बात, आप अगर अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा उसमें वीडियो देखते हैं आप और ज़्यादा ये होते हैं, ये तरीके अपना तो गुड़ मिलाओ, बेसन मिलाओ और मिट्टी में, तो क्या एक 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 10 एकड़ में 1 एकड़ में आप गुड़ डाल देंगे पूरा ही, या 10 एकड़ में आप बेसन डाल देंगे, या 10 एकड़ में आप जो तरीके बता रहे हैं उससे कोई खाद तैयार करके डालते हैं उसमें और खर्च करेंगे। नेचुरलिटी तरीके बहुत अच्छे होते हैं कभी कभी जी। तो आपको उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, इन दैट उसकी गुणवत्ता को पूरी तरीके से रखने के लिए मेरे भाई, आप एक काम कीजिए, आप बहुत ज़रूरी काम, वो ये है कि आप अपनी ज़मीन को सिर्फ केमिकल से नहीं, किसी भी तरह के केमिकल से दूर रखें। ये आपकी ज़मीन है, इसको प्लास्टिक के कचरे से भी दूर रखेंगे पहली बात। ट्रैक्टर के अंदर जो चीज़ों के कचरे निकल रहे हैं और वो आपके खेत में फेंके जा रहे हैं उससे भी दूर रखेंगे, दूसरी बात ट्रैक्टर के कचरे से भी दूर रखेंगे और फालतू घास के कचरे से भी दूर रखेंगे जी। तो पहले तो आप मेरी बात समझे ना, ट्रैक्टर के कचरे से भी दूर रखेंगे जी। ट्रैक्टर के कचरे से होता ये है, ट्रैक्टर का कचरा निकला और वो सब खेत में फेंक दिया गया, किसी काम का कचरा निकला वो फेंक दिया गया, बोतलें निकली पानी की बोतलें और वो पड़ी रह गई और उसका कचरा निकला, तो उससे ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़राब होती है। आप कहेंगे जनाब कैसी बात कर रहे हैं, कितना कह रहे हैं,
तो कहने का मकसूद ये है, कहने का मकसूद और मतालिब ये है कि केमिकल इस ज़माने में कई तरीके के हैं जी, जो आपकी ज़मीन को रेतीली बनाते हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरे बाढ़ आई, नदी बोले फसल पूरी बह गई, क्योंकि आपने ज़मीन को वैसा कर दिए है धीरे धीरे जी। इस ज़माने में कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिससे आप वक्ती खादें डालेंगे तो फसल अच्छी आ जाएगी, बाद में आपकी ज़मीन पूरी ख़राब दिखेगी। तो आपको ज़मीन को हमेशा के लिए लेवल पर रखना है, उसके लिए फर्टिलाइजेशन जो फसल चक्कर कहते हैं या फसल बदल कर लेना है, मैंने जो पहले कहा आपको, वो भी करना ज़रूरी है। तो केमिकल से बचाने का सबसे पहला तरीका, ये बड़े बड़े शहरों के लिए कह रहा हूँ मैं, और गांव के लिए भी कह रहा हूँ, गांव में भी ऐसा हो रहा है कि वहीं पर भी गाड़ियों का रूम बना दिया गया और उसका सड़ा हुआ सड़ी हुई चीज़ें ऑयल वाइल सब मिट्टी मिल रहा है और धीरे धीरे वो मिट्टी सब खराब कर रही है जी। तो उसको खेत की मिट्टी से मिलने ना दीजिए, ये अहम बात है। और केमिकल क्या क्या है आज के ज़माने में, जो अंग्रेज़ी वर्ड कहते हैं, मेरे हिसाब से तो ये जितनी बोतलें हैं ना आजकल की, वो सब केमिकल में आती है। प्लास्टिक की गंदगी, वो भी केमिकल में आ जाती है जी। यहाँ तक कि आपकी जो थिबक कहते हैं ना, जिसको नली पानी की नली, काली नली होती है या कोई भी, उसका वेस्टेज भी डाल देते हैं आप, वो भी सड़ता है तो उससे प्रॉब्लम पैदा होता है। ये सब केमिकल चीज़ों में आ जाती है जी। हाँ, उसके बाद घास आ जाती है। तो उन सब को आप केयर करेंगे तो आपकी ज़मीन वैल्यूबल होंगी, गुणवत्ता लाएंगी। मैं अगले चार एपिसोड में ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपको एक एपिसोड मैं अगले चार एपिसोड में आपको ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ाने के बेसिक टिप्स दूंगा और बेहतरीन टिप्स दूंगा। पहला टिप्स मेरा, ध्यान में रखो, शहर के गाँव के लोग कहीं पर भी फैक्ट्रियों के जो नाले होते हैं उसको बिल्कुल बिंदास उन्हें कहो कि वो उसे बाहर ले जाके फेंक दे कहीं पे वेस्टेज में, या उसे ख़त्म कर दे उन्हीं के गड्ढों में, उसका कोई तरीका दिखाए। लेकिन किसी भी बड़े शहर में, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा, दुनिया देखा हूँ, तो हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, या आप शहरों के बाहर खेती करते हैं, तो आप लोग गलती करते हैं कि किसानों केमिकल्स से पानी को मिला देते हैं। जो नदी में आ रहा है उनके पानी मिल रहा है, उसी को आप ये कर रहे हैं। और ये हकीकत है, कोई किताब भी बात नहीं है, देखा हुआ है, समझा हुआ है। तो कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज जो आपके खेत के आजू बाजू पनप रही है और उसका पानी अगर आपके खेत से मिलता है तो वो आपकी जरखेज़ी को ख़त्म करता है, फसल छोटी छोटी रह जाती है, पूरी उड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना आप, कभी चले आप अच्छे रास्ते पर तो बीच में रास्ते में कांटा आ जाता है, वो नुकसान देता है, वैसे ये केमिकल आपके लिए कांटा है। और केमिकल कई तरीके के हैं, केमिकल पानी मिल गया फिर वो पानी ख़राब करता है, पानी की पूरी अच्छाई को ख़त्म कर देता है, थोड़ा सा पानी मिल गया कुएं मिल गया तो ख़राब कर देगा ज़मीन को। तो प्लास्टिक से भी, प्लास्टिक भी एक केमिकल है, कहीं पे प्लास्टिक कचरा आपके खेत में ला के पड़ा दिया ना आपने, खाद किसने कहा कि अच्छा है, वो खाद नहीं था लेकिन वो कचरा आपके लिए नुकसानदायक हो गया जी। तो वो दवाखानों का कचरा हो गया, या काय का कचरा हो गया, या प्लास्टिक की चीज़ें कचरा है, या ट्रैक्टरों का निकलने वाला फालतू चीज़ा, या बहुत धुआं कर रहे हैं आप और बहुत ऑयल खेतों में फैलाती रह रहे हैं तो उससे भी ऐसा होता है जी। ऑयल की ज़मीन को ख़त्म कर देता है, ऑयल ज़मीन की उगवाने की सलाहियत को ख़त्म कर देगा और केमिकल भी ख़त्म कर देगा। तो बड़े बड़े शहरों के किसान, जहां मैं दुनिया देखा हूं, मैं उनके लिए ख़ास कह रहा हूं, उनके लिए बोल रहा हूं, मेरा गांव और ज़िला किसान के लेवल पर नहीं है, पूरी दुनिया के इंसान किसान है और अच्छे इंसान अच्छे किसान हैं, उनके लिए मैं पहले कहता हूं, एंड तक वीडियो देखा करो, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, तजाकिस्तान के हैं, अरबस्तान के हैं, इंडिया के हैं, या फिर एशिया के हैं, या फिर किसी साउथ अफ्रीका के बाजरे की फसल पैदा करने वाले, आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उससे निकलने वाला केमिकल नुकसानदायक है। अपडेट में कह रहा हूँ कि देखा करें, पहले नोटिस करें, क्या वो मालिकान आपको शर्त रुपए दे के कह रहे कि यहाँ से पानी निकालने दो, वहाँ से निकालने दो, नहीं, ये एक बड़ा मसला है। अपनी फसल को अच्छी बनाना है, उसकी जरखेज़ी कायम रखना है, मिट्टी को सही तो केमिकल मुक्त करें पहले जी। एक वक्त का आपने कंपाउंड वॉल लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं किए, कंपाउंड वॉल लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च, हज़ार रुपए खर्च नहीं किए, लेकिन ज़मीन की गुणवत्ता जरखेज़ी बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल ना मिलने दिए, नालों के गंदे पानी से ना मिलने दिए, खेत में वो केमिकल कुएं में नहीं आने पाया, इसके लिए कोशिश किए, वो अहम जी। मैं हमेशा एक टॉपिक में एक अच्छी बात लेकर आऊँगा, तो ये वीडियो को पूरा देख लीजिए पहले से एंड तक के और समझिए जो बड़े बड़े किसान हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक एहसान कीजिए ये जनाब अली के, मेरी हौसला अफजाई के लिए
उस पे कमेंट्स में अच्छा लिख दीजिए, नाइस लिख दीजिए, सुपर लिख दीजिए, या आप ये कहिए कि और भी ऐसे मसले हैं जिन पे हम मुझसे इनडायरेक्टली तौर पर, इनडायरेक्टली तौर पे बात होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहो, तो इनडायरेक्टली मुझ पर लिख दिया कीजिए, अल्लाह के लिए मुझसे इनडायरेक्टली लिख दिया कीजिए, डायरेक्टली मिलने की कोशिश ना करें, बहुत कम, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत आपके लोग काम में बिजी हूँ जी। तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि मैं आगे के 4 एपिसोड में भी इसके बारे में और बताऊंगा। तो दिन बखैर, शब बखैर, लम्हा बखैर, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, दुनिया बखैर।